Hello everyone, this is Sumpi and welcome to Learn and Graph with me. So in this video we are going to discuss class 7 maths chapter number 1. इसका नाम था इंटीजर्स. तो उसकी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है वेरीफाई द फॉलोइंग. ओके, तो इसमें आप देख सकते हो दो पार्ट दिया गया है एंड दोनों पार्ट इक्वल है कि नहीं हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो बेसिकली दिस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि उसका जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल है कि नहीं हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 18 इंटू ब्रैकेट 7 प्लस ब्रैकेट माइनस 3. ओके, एंड राइट हैंड साइड में दिया गया है 18 इंटू 7 देन ब्रैकेट 18 इंटू माइनस 3. ओके, तो अभी हम देखेंगे दोनों पार्ट इक्वल है कि नहीं. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे. तो इसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल. ओके, देखो 18 इंटू ब्रैकेट 7 प्लस माइनस ब्रैकेट माइनस 3. ओके, तो अभी सबसे पहले हमें ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा. तो 18 को एज इट इज रख देते हैं. तो इधर 7 है, तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो इक्वल 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे. नेक्स्ट 18 इंटू 7 माइनस 3 इज इक्वल कितना आएगा, 4 आएगा. ठीक है, अभी 18 इंटू 4, 8 फोर जर 32, 3 इज रिमेनिंग, 4 वन जर 4, 4 3 कितना हो जाएगा, 7. ओके, तो 72. ओके, तो ठीक है, अभी हम राइट हैंड साइड कर लेंगे. यहाँ पे भी अगर 72 आ जाए तो हमारा दोनों पार्ट इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो अभी ब्रैकेट का काम करेंगे. सबसे पहले इधर है 18 इंटू 7, तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. अभी हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं. तो राइट हैंड साइड में दिया गया है 18 इंटू 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 18 इंटू माइनस 3. ओके, तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे 18 7 जो कितना आएगा, 126. ओके, तो माइनस इधर प्लस सीन है तो प्लस आ जाएगा. इधर देख लेते हैं 18 इंटू 3 एंड 18 एंड 3 को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 54. ओके, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस सीन है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो माइनस 54. 18 एंड 3 को मल्टीप्लाई किया, उसमें से आया 54 एंड इधर माइनस साइन था तो यहाँ पे माइनस हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे. अभी देखो 126 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 54. ठीक है, 126 माइनस 54 इज इक्वल टू कितना आएगा, 72. ओके, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 72 आ गया एंड राइट हैंड साइड पे भी 72 आ गया. तो अभी हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो दिस इज द आंसर. ओके, अभी क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है माइनस 21 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 21 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 21 इंटू माइनस 6. ओके, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. अगर दोनों पार्ट इक्वल हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाएगा. ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं. तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले दिया गया है माइनस 21 इंटू, तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा. तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 21 इंटू. ओके, तो यहाँ पे देखो
माइनस फोर प्लस ब्रैकेट माइनस सिक्स। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 21 इधर माइनस था ना, माइनस 21 इंटू ब्रैकेट, ओके इधर माइनस फोर है तो माइनस फोर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस इधर सिक्स है तो सिक्स माइनस 21 इंटू, देखो माइनस फोर माइनस सिक्स तो इज इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस 10, ओके। तो यहाँ पे भी माइनस 21 है एंड यहाँ पे भी माइनस 10 है, ओके। तो इसका मतलब इवन नंबर्स ऑफ माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी 21 इंटू 10 करने से कितना आएगा, 210, ओके। तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया है, 210, ठीक है। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड करेंगे, यहाँ पे भी अगर हमारा 210 आ गया तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा, ओके। अभी राइट हैंड साइड देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है माइनस 21 इंटू माइनस फोर प्लस माइनस 21 इंटू माइनस सिक्स। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 21 इंटू फोर करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 21 इंटू फोर इज इक्वल टू 84। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मतलब इवन नंबर्स ऑफ माइनस, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर प्लस आ गया, अंदर में प्लस सिन है तो प्लस है, इधर 21 इंटू सिक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 21 इंटू सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, मतलब 126। एंड देखो यहाँ पे भी माइनस सिन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो इवन नंबर्स ऑफ माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो ये प्लस, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, 84 प्लस 126 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इन दोनों को ऐड कर दो, 64 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 1 इज रिमेनिंग, 8 एंड 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 10, रिमेनिंग इज 1, तो यार इधर 11 आ जाएगा, ठीक है। अभी 1 एंड 1 इज इक्वल टू 210, मतलब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 210 आ गया एंड राइट हैंड साइड पे भी 210 आ गया। तो इधर हम लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। अभी ये प्रूव हो गया, मतलब दोनों साइड इज, ये क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, फॉर एनी इंटीजर्स ए व्हाट इज माइनस 1 इंटू ए इक्वल्स टू, मतलब क्या बोला गया है, ए एक इंटीजर्स है तो इसके साथ अगर हम माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं, किसी भी नंबर के साथ अगर हम माइनस 1 ऐड करेंगे तो आंसर वो सेम नंबर ही आएगा लेकिन उसके सामने माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर और एक माइनस साइन आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिंगल माइनस है, मतलब ऑड नंबर्स ऑफ माइनस सिन, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब आप देख लो किसी भी नंबर लाइक 22, ठीक है। अगर 22 को हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 22 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर माइनस 42 के साथ अगर हम माइनस 1 मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 42, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर्स ऑफ माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस, इवन नंबर मतलब दो बार माइनस सिन आया है, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि माइनस ए के साथ अगर माइनस 1 मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है, डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट वर विथ माइनस 1 इज, ओके। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया गया है, तो इस नंबर को अगर हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या होगा, उसको हमें निकालना है, ठीक है। तो अभी इसका आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ए में दिया गया है माइनस 22, ओके। तो माइनस 22 को अगर हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आएगा,
क्या आएगा? देखो यहाँ पे 22 इंटू 1 करने से क्या होगा, 22 हो जाएगा। एंड यहाँ पे कितने साइन, नंबर ऑफ साइन है माइनस के, तो देखो 1 2, मतलब टू नंबर्स ऑफ माइनस साइन, मतलब इवन नंबर। ओके, तो अगर इवन नंबर्स ऑफ माइनस साइन आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा +22। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है 37। ओके, तो 37 के साथ अगर हम -1 को ऐड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या आएगा, 37 इंटू 1 इज इक्वल टू 37। एंड इधर माइनस साइन एक बार आया है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, -37। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी में दिया गया है 0। ओके, तो 0 के साथ अगर हम -1 ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। हमने पिछले वाले वीडियो में ये बात अच्छी तरह से समझा था कि अगर किसी नंबर के साथ हम 0 मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, आंसर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 0 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सेम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो अभी इसका आंसर देख लेते हैं किस तरह से करना है। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो पैटर्न हमें दिया गया है -1 इंटू 5 एंड दूसरे वाला है -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1, इसी पैटर्न को हमें क्या करना है, सेम पैटर्न के प्रोडक्ट्स को हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमें यहाँ पे दिया गया है -1 इंटू 5, तो इसका आंसर हो जाएगा -1 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 हो जाएगा, मतलब -5। ओके, नेक्स्ट -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -4, -1 इंटू 3 इज इक्वल टू -3, -1 इंटू 2 इज इक्वल -2, -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1, -1 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ओके, नेक्स्ट -1 इंटू -1 इज इक्वल टू, इधर इवन नंबर्स तो माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो दिस इज द आंसर, मतलब सेम पैटर्न में हमें लिखना था, तो दिस इज़ द आंसर। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।